कैसे हो सब। तो दोस्तों, अगर आप देश दुनिया की पॉलिटिक्स और पूरी की पूरी दुनिया की खबर रखने के बारे में सोचते होगे, तो आपने वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, और हाल ही में उससे चलती हुई कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और बहुत सारे इंटरनेशनल्स और नेशनल अफेयर्स, जैसे कि वर्ल्ड की कुछ सरकारों ने ट्विटर को अपने देश से ही बैन कर दिया, और भारत में भी ट्विटर ने यहाँ के कुछ सबसे बड़े पॉलिटिशियंस के वेरिफिकेशन को ही हटा दिया, जिसके बाद इंडिया का आईटी सेल काफ़ी ज़्यादा ट्विटर से नाराज़ हो गया था। बट क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट, जो कि आज के टाइम में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1976, जब यूएसए में जैक डॉर्सी का जन्म हुआ। जैक डॉर्सी, जो कि यूएसए में मिजोरी में रहते थे, और उनके पिता का नाम टिम डॉर्सी था, जो कि स्पेक्ट्रोमीटर बनाने वाली एक कंपनी में काम किया करते थे, और उनकी माँ का नाम मार्सिया डॉर्सी था, जो कि प्रोफेशन से एक होममेकर का काम किया करती थी। जिम को बचपन से ही कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो बैठे बैठे घर में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर बनाया करते थे, और वो अपने स्कूल में भी कंप्यूटर क्लब में शामिल थे। अगर उनकी शुरुआती एजुकेशन की बात की जाए, तो उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन बिशप ड्यूनबर्ग हाई स्कूल से कम्प्लीट की। जैक ने महज 15 साल की छोटी सी उम्र में ट्रैफिक डिवाइसेस और एम्बुलेंस वगैरह में लगने वाली ट्रैकिंग डिवाइसेस का सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया था, और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मिजोरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के पहले ही 2 साल बाद ही उन्होंने अपना ट्रांसफ़र न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में करवा लिया, लेकिन कुछ कारणों के चलते उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद ही डॉर्सी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। लेकिन उस दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया, और उसी वक्त उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क बेस्ड मैसेजिंग ऐप बनाया जाए जो लोगों के थॉट्स को इंटरनेट पर प्रोवाइड करवा सके। लेकिन यूनिवर्सिटी से बाहर निकाले जाने के कारण अब उनके पास ज़्यादा रास्ते नहीं बचे थे, तो उन्होंने अपना कैरियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही परस्यू करने के बारे में सोचा, जिसके बाद वो सॉफ्टवेयर के फील्ड में ही काम करने लगे, और काफ़ी सारी टैक्सीज और नेटवर्किंग कंपनीज के साथ मिलकर टैक्सीज और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। और उसी बीच उनके दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि अपने दोस्तों को रियल टाइम लोकेशन सेंड करेगी। लेकिन उसी दौरान उनकी कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, जिसके बाद आगे के कुछ सालों में जैक को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा, और उन्होंने एज अ फ्रीलांसर वर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी वो एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को बनाने का सपना नहीं छोड़े थे, और उसी वक्त उनकी मुलाकात हुई इवान विलियम्स से, जो कि वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी ब्लॉगिंग वेबसाइट ब्लॉगर के फाउंडर माने जाते हैं। और उसी दौरान उन सभी ने मिलकर एक ऐप बनाया जिसका नाम था ऑल इंस्टेंट मैसेजिंग, जो कि बाद में जाकर ट्विटर बन गया। और आज के टाइम पर ट्विटर वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में से एक है, जिसके 100 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स पूरे वर्ल्ड वाइड है, और साथ ही साथ अगर उसकी रेवेन्यू की बात की जाए तो वो 1.50 बिलियंस का भी आंकड़ा क्रॉस कर जाती है, और साथ ही साथ उसने 5000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ वर्क दिया हुआ है। और हैशटैग जैसे रेवोल्यूशनरी आइडिया के कारण आज नॉर्मल पीपल भी अपनी बात पूरी वर्ल्ड वाइड रख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ ट्विटर्स के कुछ ड्रॉबैक भी है, जिसकी वजह से नाइजीरिया की सरकार ने अपने यहाँ ट्विटर को बैन कर दिया, जब उसने वहाँ के प्रेसिडेंट का ही ब्लू टिक हटा दिया था। और उसी के साथ साथ ही इंडिया में भी ट्विटर ने यहाँ के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू का भी ट्विटर हैंडल से उनका वेरिफिकेशन हटा दिया, और साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे बड़े और जाने माने लोगों का, जिसके बाद ट्विटर के खिलाफ काफ़ी सारी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट भी ट्विटर को बैन कर देगी? इस थॉट को कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हुए ज़रूर बताएं।
होप आप सभी को ये कमाल की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे आप हमारे चैनल को ग्रो कराने में हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर बता देना ताकि आपसे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय।